नमस्कार फ्रेंड्स, आज हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पॉलीडेस्क में स्वागत है। हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा आज एक नया टॉपिक लाए हैं, कैपिलरिटी, जो हमको कसकत के नाम से भी जाना जाता है। ये देखते हैं यह प्रॉपर्टी क्या होती है। यह डिफिनेशन बोलता है इसका, कैपिलरिटी इज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। इसका मतलब बोल रहा है कि जो कैस्कात वो फिनोमिना है जिसके कारण लिक्विड एक छोटे से ट्यूब में, जो उसका अगर जिस बर्तन में रखा जाए सीधा ऊर्ध्वाधर, तो उसका लेवल जो बर्तन के लेवल से थोड़ा उठ जाता है या फिर गिर जाता है, तो वही फिनोमिना हमारा कैस्कात कहलाता है। दोस्तों, जो इसका फार्मूला वो है 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी डी, इसको अभी हम डिराइव करेंगे। इसके बारे में आप ज़्यादा अभी टेंशन ना लीजिए, अभी हम आगे डिराइव करेंगे। देखते हैं इसको, एक फिगर देखिए, यहाँ पे हमने फिगर लिया है, आपने फिगर ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर हमारा वाटर है, वाटर केस में जब हम एक स्मॉल सा ट्यूब डालते हैं, एक स्मॉल सा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ही कम हो, लेस देन 3 सेंटीमीटर, इससे कम होगा उतना ही होता है, क्योंकि कैपिलैरिटी की क्रिया लेस देन 3 सेंटीमीटर डायमीटर तक ही एक्ट करती है, ये फिनोमिना प्रीडोमिनेंट होती है। तो दोस्तों, ये जेल के केस में हम देख रहे हैं, जब इसमें ट्यूब डाले तो क्या हुआ, ये वाटर का सरफेस था, मतलब कोई लिक्विड का सरफेस था, लेकिन जब हम डाले यहाँ पर वाटर में, तो क्या हुआ, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया ट्यूब के अंदर। और वहीं पर जब हमने मर्करी लिया, जब मर्करी में एक ट्यूब डाला, ग्लास का ट्यूब डाला, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो गया। तो यही राइज और फॉल जो है, यही हमारा एक कैपिलैरिटी कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक फिगर और दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए H2O के केस में, H2O के केस में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए फिगर इस टाइप बन रहा है। देखिए फिगर किस टाइप है, इस टाइप, मतलब कि इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मतलब कि अवतल, अवतल मेनिस्कस बोलते हैं इसको। वहीं पर H2O HG के केस में, मर्करी केस में हमारा कुछ जो शेप बन रहा था ऊपर, यहाँ पर इस टाइप है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मतलब कि उत्तल मेनिस्कस। दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर हमने बोला था पिछली क्लास में, जब हम कोहेसन और एडिशन बता रहे थे, बोले थे कि ग्लास और वाटर के बीच जो एडिजन फोर्स होता है वो अधिक होता है, मतलब कि असंजक बल अधिक होता है, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास में चिपके होते हैं। जब इसकी ज़्यादा दोस्ती है तो क्या करेगा, अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा दोस्ती करेगा, तो कुछ इस तरह का शेप बन जाता है। वहीं पर अब देखिए, यहाँ पे HG और वाटर में दुश्मनी है, मरकरी ग्लास में दुश्मनी है, मरकरी और ग्लास में दुश्मनी है, तो क्या होगा, इसको भाई इससे आपसे दोस्ती नहीं करनी है, तो क्या होगा भाई, ये यहाँ तक तो था लेकिन दोस्ती दुश्मनी का ये यहाँ पर आके डूब गया, मतलब कि इनके फिर जो HG का कोहिजन जो ससंजक बल है वो अधिक है ग्लास के अपेक्षा, इस कारण इसमें क्या होता है, रिफल्स होता है, जो HG के मॉलिक्यूल हैं आपस में ही अधिक होते हैं। दोस्तों, अभी हम एक फिगर के थ्रू आपको और समझाना चाहेंगे ये फिगर क्या कहलाता है। देखते हैं, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब कि पहला केस है, ये हमारा वाटर सरफेस है, हमने जो मालिक ये ड्रॉपलेट है इस पर हमने एक ट्रेजेंट ड्रा किया है, ये एक ट्रेजेंट इसको स्पर्श करते हुए, और इसके बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं हम कंटैक्ट ऑफ एंगल, एंगल ऑफ कंटैक्ट। तो अगर हमारा थीटा, यही हमारा थीटा है, अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं निगलिजिबल वेटिंग, मतलब कि जो अगर हमारा कोई लिक्विड है वो हमारे फर्श को या कोई अदर सरफेस को गीला नहीं करेगा, गीला बहुत ही कम करेगा, निगलिजिबल होगा। जैसे वाटर को हम इस केस में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब कि यहाँ पे वाटर अगर होगा इस केस में, तो हाइड्रोफोबिक केस में, तो वाटर जो है फर्श को गीला नहीं करेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। वहीं अगर थीटा इक्वल टू 90 होता है तो कुछ इस तरह होता है। वहीं अगर हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री, सॉरी दोस्तों यहाँ कर लीजिएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होगा, वो गुड वेटिंग होगा, मतलब कि सरफेस में अधिक चिपकेगा। दोस्तों, थीटा क्या है, हमारा जो सरफेस है और ये जो हमने ड्रॉपलेट था या कोई बूंद थी, इससे हमने ट्रांजेंट ड्रा किया,
तो इसके बीच जो ये वाला एंगल है ये हमारा है थीटा। तो थीटा यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ 90 डिग्री कम है, तो क्या होगा ये गुड वेटिंग, मतलब कि चिपकेगा इसमें, क्या होगा सरफेस से अधिक चिपकेगा। और इस प्रकार अगर वेटर को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर, कोई वाटर किस में अगर ऐसा है तो होता है वहाँ पे हाइड्रोफिलिक। तो दोस्तों ये हमारा हुआ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ कैपिलरिटी। अभी हमने दोस्तों आपके फॉर्मूला बताया था सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, तो उसी का हम डेरिवेशन करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमने पहले एक H2O वाला केस जो था वही हम लिए, जिसमें हमारा लिक्विड अब राइज कर रहा था, थोड़ा सा राइज कर रहा था। तो यहाँ पे हमने जो ये ट्यूब लिया है इसका जो डायमीटर है वो हमारा है डी। और दोस्तों जो यहाँ पर हमारा हाइट राइज हुआ है कैपिलरिटी कण, तो वो है हमारा एच, उसको हमने मान रखा है। और यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है जिसके कारण ये वाटर ऊपर आया, कैपिलरिटी तो एक हो गई फिनोमिना, और जो फोर्स एक्ट किया वो था हमारा सरफेस टेंशन फोर्स जिसके कारण यहाँ पे हुआ। दोस्तों जब हम यहाँ से टैंजेंट ड्रा करेंगे यही ऐसे ही होगा, तो जो ये ट्यूब के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा हमारा थीटा। दोस्तों ये हमारा कंटैक्ट ऑफ एंगल है ये थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ माने हुआ है, डी जो हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब है, एच हमारा हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, थीटा क्या है एंगल ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड ग्लास। दोस्तों ये हमारा लिक्विड था और ये ग्लास था, तो यहाँ पे जब हमने टैंजेंट ड्रा किया तो ये हमारा आया एंगल ऑफ कंटैक्ट। जो हमारा थीटा होता है मर्करी केस में 180 डिग्री होता है, और कभी कभी हम इसको 130 भी ले लेते हैं, और फार वाटर के लिए होता है 0 डिग्री, इसलिए हमको अधिकतर वाटर के हमको समतल दिखता है, कोई अब कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं दिखता अधिकतर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच इन द ट्यूब। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका वाटर का हमको वेट पता करना है। तो दोस्तों हमको पता है भार इक्वल टू क्या होता है आयतन गुणे घनत्व। दोस्तों यहाँ पर घनत्व हम लेंगे भार घनत्व, कौन सा भार घनत्व लेंगे हमें वेन डेंसिटी। तो दोस्तों अगर हम आयतन की बात करें तो यहाँ पर जो सरफेस बनेगा ऊपर कुछ इस तरह बनेगा, और जिसका डायमीटर हमारे पास डी है, अगर इसका आयतन की पहले एरिया बात करेंगे तो इसका हो जाएगा π/4d², और इसी एज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आयतन, मतलब कि हमारा जो आयतन आएगा π/4d² यह चाहेगा। अगर हम भार घनत्व की बात करें तो हमने बात किया जो हमारा डेंसिटी होता है मास इंटू अगर इसमें जी से डी मल्टीप्लाई कर दें ग्रेविटी से तो हमारा हो जाता है भार घनत्व मतलब कि वेट डेंसिटी। तो हमारा जो आएगा वो आएगा π/4d² × h इंटू रो इंटू जी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया वॉल्यूम और यहाँ तक हो गया हमारा वेट डेंसिटी। तो आपको ये समझ में आया होगा आई होप। अब बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स। दोस्तों जो ये सरफेस टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसका जो अपवर्ड फोर्स क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये थीटा बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है वहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, मतलब सिग्मा कॉस थीटा यहाँ पे होगा और इस साइड होगा हमारा सिग्मा साइन थीटा, लेकिन हमको केवल वर्टिकल कंसिडर करना है तो इसलिए हम केवल लिखेंगे सिग्मा कॉस थीटा। दोस्तों ये पूरा सिग्मा कॉस थीटा मान लीजिए यहाँ पे है, हमने बताया था आपको वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पूरा हर तरफ एक्ट करेगा, इसी तरह अपवर्ड हर पूरा हटा देंगे हर तरफ ये एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स होगा वो होगा π d, पूरा ये हो गया सर परिधि होगी हमारी सर्कमफेरेंस हो गया सिग्मा कॉस थीटा, मतलब कि इसको हम π d × σ cosθ ये होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स, जो फोर्स अपवर्ड इसको एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों जब हम इसको इक्वेट करेंगे दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि इसी वेट इसी फोर्स के कारण इतना वेट हमारा इक्विलिब्रियम में है, अगर हम इसको इक्वेट करें कुछ इस तरह होगा π/4 d² rho g into h इक्वल टू हो जाएगा हमारा σ π d cos θ। तो दोस्तों हमको निकालना है h, तो देखिए यहाँ पे d से एक d तो कट गया कैंसिल आउट हो गया, π से π हमारा कैंसिल आउट हो गया,
एच इक्वल टू निकालेंगे तो फोर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा फोर सिग्मा और कास थीटा। अब दोस्तों जो इधर बचा है इतना इन क्या बचा है डी रो जी, तो ये हो जाएगा हमारा रो जी डी। तो हमारा ये फार्मूला आएगा, ये हमारा डेरिवेशन होगा। तो दोस्तों देखते हैं यही हमने यहाँ पर किया एच इक्वल टू फोर सिग्मा कास थीटा अपन रो जी डी। तो दोस्तों हमको अगर कैपिलरी के प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन आए तो यही हमको फार्मूला रखना है। ये देखते हैं आगे अप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी, जो हमारी केशिका थी उसकी अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, उसके हम अनुप्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक ट्री का फिगर दिया हुआ है, ये आप ट्री देख रहे हैं। एक्चुअली जो ट्री होते हैं वो अपने रूट से जड़ से जो अपना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं भोजन के लिए, जो अपना वाटर लेते हैं वो कैपिलरी एक्शन के लिए लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, कोई हमने यहाँ पर तो पंप लगा नहीं रखा है कि हमको पानी ऊपर चला जाएगा, केवल केशिका थी ऐसा चीज़ है, ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण ये वाटर अपना वाटर लेते हैं, अपना खनिज लेते हैं। वहीं पर आप देखिए यहाँ पे कुछ पेपर्स दिए गए हुए हैं, इसको हमने लिक्विड्स में डुबो दिया तो क्या हुआ देखें हम, वाटर ऊपर तक पहुँचने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिलास थोड़ा सा फिल है, यहाँ पर अधिक फिल है, या हमने इसको एक थोड़ा सा कब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के कारण ही वाटर इस ग्लास से इस ग्लास में आ रहा है। हमने ये थोड़ा समझ लीजिए आप काटर ले सकते हैं, रोई जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक टिश्यू पेपर लिया गया, उसमें क्या किया हमने कलर में थोड़ा सा उसका एक कॉर्नर हमने डुबो दिया तो देखा हमने कि जो कलर था यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक रिस गया। तो ये हमारा कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। अधिकतर देखे होंगे अगर आपका हैंकी रुमाल किसी अगर एक उसका एक कोना किसी कलर में डुबोइए या वाटर में तो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर तक चढ़ा आता है, ये कैपिलरी एक्शन के कारण ही है। एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा, जब आप टॉवेल का यूज करते हैं नहाने के बाद तो जो पानी एब्जॉर्व करता है टॉवेल वो कैपिलरी एक्शन के ही कारण एब्जॉर्व करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।